ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। कल 4 नवंबर और 5 नवंबर के दिन 400 साल बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, और इस खास दुर्लभ संयोग में जो भी व्यक्ति ये तीन उपाय कर लेता है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, क्योंकि ये जो संयोग बनने जा रहा है ये बहुत ही दुर्लभ है, कई सालों बाद बनता है। तो इस शुभ संयोग में आप ये तीन उपाय अवश्य करें, जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे, धन की समस्या दूर होगी, बीमारी दूर होगी, बड़े से बड़ा कर्जा भी दूर हो जाएगा। दिवाली से कुछ दिन पहले यानी 4 और 5 नवंबर को काफी दुर्लभ संयोग बन रहा है, और इस संयोग का नाम है पुष्य नक्षत्र। पंचांग के अनुसार 4 नवंबर शनिवार को सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र लग रहा है, जो 5 नवंबर को सुबह 10 बजे तक रहेगा। ऐसे में शनि पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र होगा। इन दोनों ही महामुहूर्त में शुभ काम करने से स्थायी फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो शुभ काम इस वीडियो में बता रहा हूँ ये आप अवश्य करना। 4 नवंबर 2023 के दिन शनिवार को पुष्य नक्षत्र है, और उसके साथ में गजकेसरी योग बन रहा है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि भी अपनी स्व राशि में मौजूद हैं। इसके साथ ही सस योग का निर्माण हो रहा है, और पंचांग के अनुसार इस दिन शंख लक्ष्मी सस हर्ष सरल साध्य मित्र योग का निर्माण हो रहा है। और 5 नवंबर को रवि पुष्य योग के साथ रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, गजकेसरी योग, शुभ श्रीवत्स अमला सरल योग बन रहा है। तो ये जो ग्रहों की युति बन रही है ये बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी होगी। शनि अपनी स्व राशि कुंभ राशि में और देवताओं के गुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान है। ऐसे में दोनों की स्थिति मंगलकारी योग बना रही है, और इस योग को काफी शुभ माना गया है। इस शुभ योग के बनने से वृषभ, मेष, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। और पुष्य नक्षत्र में खरीददारी करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि 27 नक्षत्रों में से पुष्य को राजा का स्थान दिया गया है, जिसके स्वामी शनि और गुरु बृहस्पति हैं। जहां गुरु को धन और ज्ञान का कारक माना जाता है, तो वहीं शनि को स्थिरता का कारक माना जाता है। इसलिए इस दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन वाहन, संपत्ति, घर, ज्वेलरी आदि की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। और इस शुभ नक्षत्र के अंदर आप ये जो उपाय हैं इनको आप अवश्य करें, क्योंकि इन उपायों को करने से जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कभी भी अमंगल नहीं होगा। तो पुष्य नक्षत्र के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रखें देसी घी का ही प्रयोग करना है, तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। पुष्य नक्षत्र के दिन व्रत या उपवास रखकर पूजन करें, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। पुष्य नक्षत्र के दिन नवीन बही खाते या लेखन सामग्री को शुभ मुहूर्त में खरीदकर उन्हें अपने व्यापारिक स्थल पर स्थापित करें, जिससे हमेशा आपके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, रत्न या आभूषण आदि कीमती वस्तुएं खरीदकर घर लाना भी अत्यंत शुभकारी होता है। और पुष्य नक्षत्र के दिन शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में जाना जाने वाला सोना खरीदने का प्रचलन है, और सोने की खरीदी आप पुष्य नक्षत्र में अवश्य करें। अगर सोना नहीं ले सकते तो पीतल या चांदी अवश्य ही खरीदना चाहिए, जो अत्यंत ही शुभ और लाभकारी होता है। और विशेषकर कार्तिक मास में आने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन अपने आराध्य तथा कुल देवता का पूजन करने से उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र काल में दाल, चावल, खिचड़ी, बेसन, कड्डी, बूंदी के लड्डू आदि चीजों का सेवन करना चाहिए, और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र के दिन शनि, रवि या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इन ग्रहों से संबंधित देवताओं का पूजन करें, और उनके मंत्रों का जाप करने से जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो कठिनाइयां चल रही हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो आप इस शनि पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र में ये उपाय अवश्य करें, जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। जितनी भी परेशानियां आज तक आई हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि
400 साल बाद बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनकर ये पुष्य नक्षत्र बन रहा है। इसमें आप ये उपाय अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।